हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं दीपा त्यागी, फैकल्टी ऑफ होम साइंस, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हम एमए होम साइंस के सेकंड पेपर के द्वितीय खंड के अंतर्गत फ्रॉयड की थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार टॉपिक पे आने से पहले हम जानना चाहेंगे कि मानव विकास होता क्या है। वास्तव में मानव विकास का तात्पर्य है कि जिस दिन से बच्चा अपनी माता के गर्भ में आता है, तब से लेकर के जीवन पर्यंत अर्थात व्यक्ति की मृत्यु तक, उसके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं और उन डेवलपमेंट पर हमारे बाहरी वातावरण या आंतरिक परिस्थितियों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार हम उस डेवलपमेंट को और ज़्यादा एनरिच बना सकते हैं। आज हम फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रॉयड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उन्होंने पर्सनालिटी को किस प्रकार से विकसित किया जाता है इस बारे में बताने के लिए अपना सिद्धांत दिया था। फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक व्यापक अप्रोच है, या यूं कहें कि सर्वप्रथम फ्रॉयड ही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के विकास को विस्तृत रूप से बताया था। फ्रॉयड एक मनोचिकित्सक थे, ने जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो अपने पेशेंट्स के क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस और केस स्टडी के बेस पर किया। फ्रॉयड के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, द सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एंड द लास्ट वन इज डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रॉयड का मानना था कि जो व्यक्ति होता है उसका जन्म बायोलॉजिकल ड्राइव्स के साथ में होता है तथा समाज में रहने के लिए, समाज के अनुकूल अपने आप को बनाने के लिए उसे दिशा निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे सामने एक शब्द आता है ड्राइव्स। अब ये ड्राइव्स क्या होती हैं? प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है, जैसे उसकी जो जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं, जैसे उसका भूख लगना, उसको प्यास का लगना, उसको हवा की ज़रूरत होना। जब ये आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी नहीं हो पाती हैं तो व्यक्ति बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है इन आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए। लेकिन जैसे ही ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं, व्यक्ति की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है, अर्थात उसकी ड्राइव समाप्त हो जाती है। जैसे बात करते हैं हम भोजन के संदर्भ में, जब व्यक्ति के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है तो उसे भूख लगती है, भूख का एहसास होता है, उसे भोजन चाहिए होता है। लेकिन अगर उसको भोजन तब नहीं मिल पाता है तो वो भोजन को प्राप्त करने के लिए आंतरिक रूप से क्रियाशील हो जाता है, और जैसे ही उसे भोजन प्राप्त होता है उसकी यह ड्राइव स्वतः ही समाप्त हो जाती है। फ्रॉयड ने इसी सिद्धांत को बताने के लिए पांच सीक्वेंशियल स्टेजेस के रूप में बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हर स्टेज की एक अपनी विशेषता होती है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं प्रत्येक स्टेज की। अगर वो आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, असंतुष्ट रह जाती हैं, तो एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है उसी स्टेज पर रुक जाना, आगे की तरफ न बढ़ पाना। जब तक व्यक्ति की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, वह उसी स्टेज में रुक जाता है, आगे की तरफ मूव ऑन नहीं कर पाता है, जिससे उसका आगे का विकास प्रभावित होता है। अब बात करते हैं पहली स्टेज की, दैट इज ओरल स्टेज, जो बर्थ से लेकर 18 मंथ तक मानी जाती है। कोई न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तब उसका जो मेन ग्रेटिफिकेशन का जोन होता है वो माउथ होता है। उसको कोई भी कार्य जो माउथ से रिलेटेड होता है उसे करने में उसे प्लेजर का अनुभव होता है। जैसे आपने देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में कोई भी चीज़ आ जाए तो वो उसको सीधा मुंह में डालते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को मुँह में डाल के उन्हें खुशी मिलती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको टीथिंग शुरू होती है, दांत आने शुरू हो जाते हैं, तो उसे काटने में आनंद का अनुभव होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अचानक से आप बैठे हैं, आपके पास आएंगे और आपको तेज से काटेंगे। जैसे ही आप चीखेंगे, आप बोलेंगे कि हम बच्चे ने हमें काट लिया, तो वो हंसेंगे, मतलब कि इससे उन्हें आनंद का अनुभव होता है। यह वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा पूरी तरह से अपनी माता पर डिपेंड होता है। इस एज में जो बच्चे की आवश्यकताएं होती हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया जाता है तो इसका असर उनकी प्रौढ़ावस्था में बनने वाली व्यक्तित्व पर पड़ता है। ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं बाल्यावस्था में इन्फेंसी के टाइम पे असंतुष्ट रह जाती हैं, ऐसे बच्चे बड़े होने पर इस तरह के पर्सनैलिटी को प्राप्त होते हैं कि अगर कोई टेंशन रिड्यूसिंग कंडीशन होती है, जब उन्हें टेंशन होती है किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो उस टाइम पे इस तरह का बिहेवियर करते हैं जो उनके माउथ पे मेन रूप से फोकस करता है, जैसे नेल बाइटिंग करना, स्मोकिंग करना या वर्बल एग्रेशन। सेकेंड वन इज एनल स्टेज, जो 18 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक बच्चे में चलती है। इस एज में आके जो बच्चे का जोन ऑफ ग्रेटिफिकेशन होता है वो
माउथ से शिफ्ट होकर एनल रीजन में चला जाता है। इस एज में आके बच्चा एलिमिनेशन करने में, अपने फेसेस को एलिमिनेशन करने में ज़्यादा प्लेजर का अनुभव पड़ता है, क्योंकि इस एज में आकर बच्चा ज़्यादातर सॉलिड फूड लेना प्रारंभ करता है, जिसका जो रेसिड्यूल होता है वो उसकी इंसेस्टाइन में जाकर इकट्ठा हो जाता है। जब बच्चा टॉयलेट जाता है, पॉटी जाता है, तो उसके बाद उसको रिलीफ, कम्फर्ट की फीलिंग होती है। इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि होती है। टॉयलेट ट्रेनिंग का असर बच्चे की पर्सनैलिटी पर लाइफ लॉन्ग रहता है, क्योंकि अगर मदर उसको स्ट्रिक्टली टॉयलेट ट्रेनिंग कराती है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए फोर्स करती है, तो ऐसे बच्चे कॉन्स्टिपेटेड पर्सनैलिटी को जन्म देते हैं। ऐसे बच्चे अपने फेसेस को होल्ड करना सीख जाते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है। और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, जब वो अडल्टहुड में प्रवेश करते हैं, तो वो या तो बहुत ज़्यादा सफाई के प्रति ऑब्सेसिव हो जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा बेतरतीब ढंग से रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे रहने लग जाते हैं। दूसरी तरफ यदि मदर उसको पोलाइट वे में समझाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग्स के लिए उसको फोर्स नहीं करती है, उसकी इम्पोर्टेंस उसे बताती है, और जब बच्चा खुद से एलिमिनेट करता है तो उसको इस कार्य के लिए प्रेस करती है, उसको रिवॉर्ड देती है, तो ऐसे बच्चे समझते हैं कि एलिमिनेशन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का जन्म होता है। द थर्ड वन इज़ फैलिक स्टेज, जो 3 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स तक होती है। इस एज में जो बच्चे का जोन ऑफ ग्रेटिफिकेशन होता है, वो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स में आकर शिफ्ट हो जाता है। इस एज में बच्चे अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जनरली देखा भी जाता है, जो बॉयज़ होते हैं वो अपने मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। इस कंसेप्ट को फ्रॉयड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है, और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर से ज़्यादा अटैच हो जाती हैं, इसे उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा है। बच्चे अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स के साथ इतने ज़्यादा अटैच होते हैं, तो अगर उसके फादर उसके मदर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसे राइवलरी की फीलिंग आती है। इस एज में बच्चे अपनी एंजाइटी को समाप्त करने के लिए अपने सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य स्थापित करते हैं। मतलब जो बॉयज़ हैं वो अपने आप को अपने फादर के समान समझने लगते हैं और उन्हीं की एक्ट करना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज लेटेंसी स्टेज, जो 6 ईयर से लेकर प्यूबर्टी तक चलती है। इस अवस्था को जनरली सुषुप्ता अवस्था कहा जाता है। इस एज में बालक सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि ये लेट चाइल्डहुड की अवस्था है। इस एज में बालक स्कूल जाना शुरू करता है, उसके ऊपर पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, वह समाज में रहना शुरू कर देता है। जनरली इस एज तक आते आते उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो का विकास भी शुरू हो जाता है, जो उसको रियलिटी बेस पे जीने के लिए या नैतिक कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करता है। द लास्ट वन इज जेनाइटल स्टेज, जो प्यूबर्टी से अडल्टहुड तक चलती है। अब ये प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है। इसमें बच्चा बाल्य अवस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है। किशोरावस्था के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इस एज में आने के बाद बच्चे का जोन ऑफ ग्रेटिफिकेशन है वो वापस से जेनाइटल एरियाज में आके शिफ्ट हो जाता है, लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि एज में आके, क्योंकि बच्चा मोरल हो जाता है, उसको नैतिकता के बारे में पता होता है, बच्चा सोशल भी हो जाता है, वो चाहता है कि वो सोशल अप्रूव्ड बिहेवियर करे, समाज के कायदे कानूनों, समाज के नियमों का पालन करे, इसलिए वो समाज के नियमों को मानते हुए उसी के अनुसार अपना बिहेवियर करता है। इस एज में आके बच्चा हेट्रोसेक्सुअलिटी की तरफ डेवलप होता है, वो अपने से विषम लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है, जिसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके वह अपने इस आवश्यकता की संतुष्टि करता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी का संरचनात्मक सिद्धांत। फ्रॉयड ने मानव मस्तिष्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज कॉन्शियस माइंड, सेकेंड वन इज सबकॉन्शियस माइंड, एंड द थर्ड वन इज अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब व्यक्ति का चेतन मन। वर्तमान समय में व्यक्ति के अंदर कौन सी फीलिंग्स, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, ये उसका चेतन मन होता है। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड होता है जो ना तो पूर्ण रूप से चेतन होता है, ना ही पूर्ण रूप से अचेतन होता है। इसके अंदर वो थॉट्स, वो फीलिंग्स इंक्लूड होती हैं
जो व्यक्ति के चेतन मन में नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी रिकॉल किया जाए या थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए तो वो वापस से चेतन मन में आ सकती हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि एक बच्चा है, उसने लास्ट अपनी मदर के बर्थडे पर उनको क्या गिफ्ट दिया था, ये अभी उसके चेतन मन में नहीं है, लेकिन अगर उसको इस चीज़ के लिए याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए बोला जाए तो ये उसके चेतन मन में आ सकती है। द थर्ड वन इज़ अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉयड ने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। ये ब्रेन का वो पार्ट होता है, इसके अंदर वो थॉट्स, वो फीलिंग्स इकट्ठा होती हैं जो कभी चेतन मन में नहीं आई हुई होती। व्यक्ति के कुछ थॉट्स, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें यदि वह चेतन मन में प्रदर्शित करता है तो उससे उसे नुकसान हो सकता है। जैसे कुछ फीलिंग्स होती हैं जो समाज में स्वीकृत नहीं हो सकती, लेकिन व्यक्ति का मन है, वो एक बायोलॉजिकल ड्राइव्स है व्यक्ति के अंदर, तो हर तरह के थॉट्स उसके अंदर आते हैं। कुछ नेगेटिव भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आते हैं। नेगेटिव थॉट्स अगर वो प्रदर्शित करता है तो उसे उनका नुकसान उठाना पड़ सकता है, हो सकता है सोसाइटी उसे विदाउट कर दे। तो वो क्या करता है, ऐसी इच्छाओं को, ऐसे थॉट्स को, ऐसे फीलिंग्स को वो अपने अंदर दबा देता है, उसको अनकॉन्शियस माइंड में डाल देता है जो कभी भी कॉन्शियस माइंड में नहीं आएंगे। ऐसी इच्छाएँ व्यक्ति के ड्रीम्स के थ्रू आकर अपना प्रदर्शन करती हैं। व्यक्ति सपने में जो देखता है वो वास्तव में उसका अचेतन मन होता है। अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो सपनों के माध्यम से आकर अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। फ्रॉयड ने अचेतन मन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की अचेतन मन में जो इच्छाएँ होती हैं, जो अभिलाषाएँ दब जाती हैं, वह उसकी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। फ्रॉयड ने पर्सनैलिटी के तीन पार्ट्स बताए हैं, इड, द ईगो एंड द सुपर ईगो। इड, इड क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो पूरी तरह से इड पे डिपेंड करता है। इड प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस होता है। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी उन्हें ज़रूरत हो, कुछ भी आवश्यकता हो तो उन्हें उसकी पूर्ति एकदम से होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जब भूख लगती है, जैसे ही भूख लगती है वो रोना शुरू कर देते हैं, उनको एकदम से खाना चाहिए। और जब बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं या थोड़ा बहुत लेट होता है तो वो उन्हें अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि वो इस संसार का पार्ट ही नहीं है। दूसरा होता है ईगो। ईगो की जो उत्पत्ति होती है वो इड से ही होती है। जनरली बर्थ के पहले साल में ईगो का जन्म प्रारंभ हो जाता है। ईगो जानता है कि जो भी हमारी इंटरनल अर्जेस हैं, जो भी हमारी नीड हैं, उनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, लेकिन ये उनको बाह्य वातावरण के साथ में, बाह्य परिस्थिति के साथ में तादात्म्य स्थापित करके उनको सेटिस्फेक्शन चाहता है। इड होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करता है, ये वास्तविकता को देखता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे अभी हमने जाना कि इड में क्या होता है, बच्चा जब इड के वशीभूत होता है तो उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति एकदम से करनी होती है। जैसे ही बच्चे को भूख लगी उसको खाना चाहिए, अन्यथा वो रोने लगता है। लेकिन जब बच्चा ईगो में प्रवेश करता है, ईगो का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है, तो बच्चा ये समझ जाता है, उसको इतनी समझ विकसित हो जाती है कि उसको सिर्फ रोने से भोजन नहीं मिलेगा, भोजन उसको तभी मिलेगा जब उसका पर्टिकुलर टाइम होगा भोजन प्राप्त करने का। द थर्ड वन इज सुपर ईगो। सुपर ईगो अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत डेवलप हो जाती है। ये पर्सनैलिटी का सबसे महान पार्ट होता है। ये मोरालिटी पे बेस होता है, मतलब ये बच्चे को नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसी एग्जाम्पल को हम एक्सटेंड करके समझेंगे। जैसे इड के बेस में आकर बच्चे ने किसी भी चीज़ के लिए जिद की, लेकिन ईगो ने उसे समझाया कि उसको सिर्फ रोने से खाना नहीं मिलेगा, उसको खाना तब मिलेगा जब उसका खाने का टाइम होगा। वहीं पे सुपर ईगो उसे समझाएगा कि उसको खाना अगर प्राप्त करना है तो उसको रोना नहीं है, उसको एक प्रॉपर चैनल उसके लिए चाहिए। वो अपने मदर को बोलेगा खाने के लिए, तब उसकी मदर उसको खाना देंगे। इसको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा किसी मार्केट में जाता है, शॉप पे जाकर उसका केक या पेस्ट्री, चॉकलेट खाने का मन करता है और वो अचानक से वहाँ पर चिल्लाने लगे, मुझे चॉकलेट चाहिए या मुझे केक चाहिए, तो ये क्या हुआ, ये बच्चा इड पे बेस होके अपना कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सुपर ईगो क्या करेगा, सुपर ईगो उसको समझाएगा कि उसको इस तरह चिल्लाने से, इस तरह बोलने से कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है, उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। उसको पहले शॉपकीपर के पास जाके वहाँ पे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको पेस्ट्री या केक मिलेगा। ईगो, इड और सुपर ईगो के बीच में एक सेतु की तरह कार्य करता है। वो
इड के इम्पल्सेस को भी कंट्रोल करता है और सुपर ईगो के डिमांड्स को भी एडजस्टमेंट करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुपर ईगो की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि वो मोरालिटी पे बेस होता है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इड इड भी प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस होता है, वो इम्पल्सिव होता है, अचानक से संवेग उत्पन्न होता है, उसका भी रियलिटी प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ईगो दोनों के बिहेवियर को बाह्य वातावरण के साथ, वास्तविकता के साथ उनका तादात्म्य स्थापित करके उसके मध्य संतुलन स्थापित करता है। द नेक्स्ट वन इज डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रॉयड ने बताया है कि जो ह्यूमन है वो ऊर्जा का भंडार है। वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? वह भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में खर्च करता है। मनोवैज्ञानिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे साइकिक एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पे फ्रॉयड ने बताया है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट होती है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति बेसिकली वही जिसे हमने ड्राइव कहा। मूल प्रवृत्ति होती है हंगर, सेक्स, थर्स्ट की मूल प्रवृत्ति। व्यक्ति के अंदर कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है अचानक से और उसको उसका तभी इमिडिएटली ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। यदि उसमें डिले होता है तो व्यक्ति के अंदर अशांति उत्पन्न हो जाती है। फ्रॉयड ने दो तरह के इंस्टिंक्ट के बारे में बात की है। लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसे उन्होंने इरोज कहा है, इसके अंतर्गत कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे हंगर की इंस्टिंक्ट। हंगर हमें क्यों लगती है? क्योंकि हमारे अंदर किसी भी एक्टिविटी को करने के बाद एनर्जी की कमी फील होती है, जिसके कारण हमें भूख लगती है। जब ये हमारी इंस्टिंक्ट, जब ये मूल प्रवृत्ति शांत हो जाती है, उसके बाद मनुष्य वापस से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में लग जाता है। दूसरी बताई है डेथ इंस्टिंक्ट, जिसको थैनाटोस भी कहा गया है। इसके अंतर्गत डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, किसी को मारना पीटना। और जिस प्रिंसिपल्स पे लाइफ इंस्टिंक्ट बेस करती है उसको उन्होंने लिबिडो की संज्ञा दी है। डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो क्या करता है? ईगो इड और सुपर ईगो के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि बहुत ज़्यादा बेचैनी या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ईगो का खुद को डिफेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रक्षात्मक प्रक्रम, इसके लिए कभी कभी ईगो खुद को बचाने के लिए जो वास्तविकता होती है उसके साथ तोड़ मरोड़ भी करता है या उसको दूसरी तरीके से भी स्थापित करता है। इसके लिए जो मेन डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉयड द्वारा बताए गए हैं वो है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है दबाना। हमारी जो इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें यदि हम प्रदर्शित करें तो हमारे लिए नुकसान का फल हो सकती हैं, जो एंटी सोशल हो सकती हैं, तो उन्हें क्या करता है व्यक्ति? अपने आंतरिक मन में दबा देता है, जो कभी भी उसके चेतन मन में नहीं आ पाती। दूसरा होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि ईगो खुद को बचाने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए अपनी एंजाइटी को, अपनी चिंता को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थॉट्स उसके पास आ रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन वो खुद भी ये बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो इतना एग्रेसिव किसी के लिए हो सकता है, तो वो खुद को डिफेंड कैसे करेगा? वो ये नहीं बोलेगा कि मैं उसके लिए एग्रेसिव हूँ या मेरा उसको मारने का मन कर रहा है, बल्कि वो बोलेगा कि सामने वाले पर्सन का उसको मारने के लिए मन कर रहा है। मतलब वो जो अपनी गलती है वो उस अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डाल देगा, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के ऊपर थोप देगा। थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है तादात्म्य स्थापित करना। ये सेल्फ स्टीम को एनहेंस करने का भी एक साधन होता है। ये एक ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है जो सेल्फ स्टीम को बढ़ावा देने का भी कार्य करती है। इसमें व्यक्ति अपने आप को कोई दूसरा ही व्यक्ति समझने लगता है। जैसे हमने अभी जाना फैलिक स्टेज में, जब बच्चा अपनी मदर के प्रति, जब बॉय अपनी मदर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं और अपने फादर से राइवल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे? अपने आप को फादर की तरह समझने लगते हैं, फादर की तरह एक्ट करने लगते हैं। इसी केस में यदि पर्सन किसी अच्छे प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर या किसी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है, तो उसके लिए सेल्फ स्टीम को बढ़ाने का एक साधन हो जाता है। द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना। जब
किसी व्यक्ति के अंदर किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन उसको वहाँ पे एकदम से रिएक्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वह अपने गुस्से को थोड़े टाइम के लिए शांत करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर उसे निकालता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कोई पर्सन है जिसके बॉस से उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, उसे अपने बॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह उस गुस्से को वहाँ पर प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने अपने गुस्से को बॉस के ऊपर प्रदर्शित किया तो उसे उस नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसकी जॉब जा सकती है। तो वह क्या करेगा, अपने गुस्से को थोड़े टाइम के लिए शांत करेगा और घर आकर अपने फैमिली मेम्बर्स पर अपने गुस्से को निकालेगा। ये एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिलता है। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको क्लास में टीचर ने उसको डांट दिया, उसको गुस्सा आया अपनी टीचर पे, लेकिन वो अपने गुस्से को अपनी टीचर पे प्रदर्शित नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, वो तेज़ तेज़ से दरवाज़ा पीटता है, पैरों को पटकता है, या बाहर जाकर अपने जूनियर अपने से छोटे बच्चों पर एग्रेसिव बिहेवियर करता है, उनको मारता पीटता है। नेक्स्ट वन इज रैशनलाइजेशन। रैशनल का मतलब होता है कि अपने बिहेवियर को, अपनी दुश्चिंता को इस तरह से दूर करना, जो भी सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर है वह शो करना और जो कुछ कमियां हैं उन सबको छिपा जाना। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, जब उसका रिजल्ट आता है तो वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हुआ, बल्कि वो कहता है कि या मेरे टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग की गई है, या पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। मतलब वो ये नहीं दिखाना चाहता कि मेरी कमियाँ थी जिस वजह से मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए हैं, बल्कि वो उन कमियों को दूसरे के ऊपर डाल देता है। इसका एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है लोमड़ी वाली, उससे भी इसे समझा जा सकता है। जैसे एक लोमड़ी होती है, वो अंगूर खाने के लिए जाती है, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पे लगे हुए थे तो वो उनको प्राप्त नहीं कर पाती है, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जब उसे अंगूर नहीं मिलते तो वो कहती है अंगूर तो खट्टे थे। मतलब वो ये नहीं, अपने आप को ये नहीं कराना चाह रही है कि मैंने हार मान ली है, मेरे से ये काम नहीं हो पाया, बल्कि वो ये कहती है कि मैं इस काम को करना ही नहीं चाहती क्योंकि ये मेरे अनुकूल ही नहीं था। कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी एक फील्ड में असफल हो जाता है तो वह दूसरे फील्ड में जाकर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। जैसे इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे कोई पर्सन है वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, उसको अपनी क्लास में जाता है तो उसको बच्चे अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं है, तो वो क्या करता है, खुद को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तल्लीन कर देता है, बुक वॉर्म बन जाता है, फिर बाद में जाके बहुत अच्छा स्कॉलर बनता है, जिसकी वजह से उसे वो प्रेस्टीज वापस मिलती है जो उसे लुक्स की वजह से अपने कभी नहीं मिल पाती। द नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है वापस लौटना, अर्थात इस फेंस मैकेनिज्म में व्यक्ति ऐसी कार्य करते हुए पाए गए हैं जो वो अपने बचपन में करते थे। जनरली 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे इस तरह का व्यवहार बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा जब परिवार में कोई नया बेबी आने वाला होता है तो बच्चे के अंदर एक चिंता उत्पन्न हो जाती है कि उसके पेरेंट्स अब उसे उतना प्यार नहीं करेंगे, छोटे बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो क्या करता है, जैसी एक्टिविटीज़ वो छुटपन में किया करता था, रोना, ज़िद करना, पैर पटकना, छोटे बच्चों की तरह तुतला के बोलना, जिस एक्टिविटीज़ पे उसके पेरेंट्स उससे खुश हुआ करते थे वो वैसी ही एक्टिविटी करने लगता है अटेंशन प्राप्त करने के लिए। उसे लगता है कि अगर मैं वैसी ही एक्टिविटी करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और छोटे बच्चे को प्यार नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं क्रिटिक्स ऑफ फ्रॉइड थ्योरी। फ्रॉयड का जो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है। फ्रॉयड पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पर्सनालिटी के बारे में इतना विस्तार से समझाया, लेकिन क्योंकि हर सिद्धांत की कुछ ना कुछ कमजोरियां, कुछ ना कुछ सीमाएं अवश्य होती हैं, तो फ्रॉयड के सिद्धांत के भी कुछ लाभ और कुछ कमजोरियाँ हैं। जैसे हम इसके लाभ के बारे में बात करेंगे तो ये जो थ्योरी है ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बचपन के एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। फ्रॉयड बताते हैं कि बच्चे के जो एक्सपीरियंस बचपन में होते हैं वही उसके बाद की पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। इन्होंने इसको 5 स्टेजेस के थ्रू भी बताया गया है। बच्चे के अगर एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड में नेगेटिव होते हैं तो बच्चा की पर्सनालिटी बड़े होकर भी नेगेटिव वे में चली जाती है, लेकिन अगर उसे पॉजिटिव वे में अच्छे से उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं बचपन के, तो उसकी पर्सनालिटी
फ्लरिश पर्सनैलिटी बनती है। फ्रॉयड ने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, जबकि हम देखेंगे ये काफ़ी हद में सच भी है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, बायोलॉजिकल प्राणी है, तो उसके अंदर सभी तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कभी अच्छी इच्छाएं भी आती हैं तो कुछ बुरी इच्छाएं भी आती हैं, लेकिन व्यक्ति कार्य वही करता है जो समाज के अनुकूल होता है, समाज में जिस चीज़ को स्वीकृति मिलती है। अगर वो ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग जाता है जो उसके मन के अनुकूल तो होती हैं लेकिन समाज के अनुकूल नहीं होती, तो व्यक्ति को हीन माना जाता है, उसे बुरी नज़रों से देखा जाता है। तो वो क्या करता है, ऐसी इच्छाओं को अपने अनकॉन्शियस माइंड में, अपने अचेतन मन में दबा देता है, जो कभी भी उसके चेतन मन में नहीं आ पाती हैं, लेकिन वो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, वो हमेशा अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास करती रहती हैं, और वो सपनों के माध्यम से, व्यक्ति जो ड्रीम्स देखता है उनके माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। फ्रॉयड ने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया है, रक्षात्मक प्रक्रम के बारे में बताया है, जिससे हमें पता चलता है कि एक ही सिचुएशन में विभिन्न व्यक्ति किस तरीके से कार्य करते हैं। किसी सिचुएशन में एक व्यक्ति रैशनलाइजेशन हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशन से निपटने के लिए प्रोजेक्शन को अपना सकता है, या वो रिग्रेशन भी कर सकता है। इसमें फ्रॉयड ने बताया है कि जो हमारा व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह उसके आंतरिक संघर्ष और उसकी बाह्य परिस्थिति का प्रतिफल होता है। जब व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से उसके आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाती है, जब उन आंतरिक अशांति पे व्यक्ति अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है बाह्य परिस्थिति के अनुसार, तो उसका व्यवहार निर्धारित होता है। इसमें फ्रॉयड ने इड, ईगो और सुपर ईगो का जो कंसेप्ट दिया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ईगो क्या होता है, ईगो इड और सुपर ईगो के बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करता है, वो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। इसकी इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि फ्रॉयड ने जितने भी एक्सपीरियंस बताए हैं उसमें व्यक्ति के बाह्य वातावरण और कल्चरल इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। उन्होंने व्यक्ति को एक जैविक प्राणी माना है, उन्होंने माना है कि व्यक्ति के जो आंतरिक जैविक गुण होते हैं वही उसकी पर्सनैलिटी का निर्धारण करते हैं। बाह्य वातावरण के प्रभाव के बारे में उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कल्चरल एनवायरमेंट, प्रत्येक समाज का जो सांस्कृतिक एनवायरनमेंट होता है वो विभिन्न विभिन्न होता है, तो इस एनवायरनमेंट का व्यक्ति की पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। समरी, हम देखते हैं कि जो फ्रॉयड की थ्योरी है वो आंशिक रूप से एक ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि फ्रॉयड ने अपने सिद्धांत में उन्हीं विचारों का, उन्हीं बातों के बारे में बताया है जो उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू देखी। हम जानते हैं कि फ्रॉयड एक मनोचिकित्सक था, उसके जो पेशेंट्स थे उनकी जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस थी, उनकी जो केस स्टडी थी, उसी के बेस पर फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी का प्रतिपादन किया। फ्रॉयड ने बताया कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, व्यक्ति के अंदर की एक आवश्यकता होती है जो किसी भी चीज़ की कमी होने के कारण या आंतरिक इम्बैलेंस होने के कारण उत्पन्न होती है। जब इन आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तो ये ड्राइव अपने आप ही समाप्त हो जाती है। फ्रॉयड ने पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर में इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की। उन्होंने बताया कि ईगो सुपर ईगो और इड के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। इड प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस होता है, उसे अपनी आवश्यकता का ग्रेटिफिकेशन इमीडिएट चाहिए होता है, जबकि सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल्स पर बेस होता है, वो नैतिक कर्तव्यों की बात ज़्यादा करता है, जबकि ईगो रियलिटी वास्तविकता पे बेस होता है। इस वजह से वो इड के इम्पल्सिस को भी कंट्रोल करता है और सुपर ईगो की डिमांड्स को भी कंट्रोल करके दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, एक बीच का रास्ता निकालता है जिससे कि टेंशन को रिड्यूस किया जा सके। फ्रॉयड ने अपने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस के थ्रू बताया। उन्होंने बताया कि हर स्टेज की अपनी अपनी आवश्यकता होती है, अगर उस आवश्यकता की पूर्ति सही समय पर नहीं की जाए तो व्यक्ति के अंदर फिक्सेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति उसी स्टेज पर रुका रहता है, जो बाद में जाके प्रौढ़ावस्था में जाके व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। जैसे एक्सपीरियंसेस उसको बचपन में होते हैं वही एक्सपीरियंसेस वही उसकी पर्सनैलिटी का निर्धारण करते हैं, प्रौढ़ावस्था में उसकी पर्सनैलिटी उसी के अनुसार बन जाती है।
फ्रॉयड ने बताया कि अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, किसी भी अप्रिय परिस्थिति से निपटने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है, रक्षात्मक प्रक्रम का यूज करता है। इसके लिए ईगो कभी कभी वास्तविकता होती है उसके साथ तोड़ मरोड़ भी करता है। ये जरूरी भी होता है क्योंकि अगर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग ना करे, कन्फ्लिक्ट को दूर ना करे, तो व्यक्ति के अंदर मानसिक रोगों के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ईगो क्या करता है, जो टेंशन देने वाले कारक होते हैं उनको ख़त्म करके टेंशन को रिड्यूस करता है। तो अभी हमने फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बात की। पर्सनैलिटी का ये एक बहुत ही बड़ा अप्रोच है, लेकिन व्यक्तित्व एक छोटी सी अवधारणा नहीं है, एक विस्तृत अवधारणा है जिसके ऊपर विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम यूंग और एडलर के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिफाइन किया, उन्होंने कौन कौन से एक्सपीरियंसेस को बताया, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेरी को लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।